हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और डिज़ाइन बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर भी है। ये आप बड़ों के भी साथ में छोटे बच्चों के भी स्वेटर्स में आप डाल सकते हो, मफलर में भी डाल सकते हो, इसको टोपी में भी डाल सकते हो, मोज़े में भी डाल सकते हो। तो मैं इसको बता रही हूँ, बहुत ही आसान है, आप देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो ये पहला जो है अपना, ये सीधा है, इसको हमने उठा लिया, अब धागा आगे कर लिया, दो सीधा, इसके बाद फिर धागा पीछे, फिर इसको बुनना नहीं है, इसको ऐसे उठा लेना है आपने, फिर धागा आगे, फिर दो उल्टा, फिर धागा पीछे, इसको उठा लोगे, धागा आगे, दो उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर इसको उठा लोगे, फिर धागा आगे, दो उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर इसको उठा लोगे, फिर आगे, फिर दो उल्टा। इसी तरह से पूरी लाइन हम बना लेंगे। ये देखिए, सीधा उठा लिया, धागा आगे, दो उल्टा, धागा ऐसे पीछे कर दोगे, फिर ये इसको उठा लोगे ऐसे, फिर धागे को आगे ले लोगे, ये दो उल्टा हो गया। फिर एक बचा है, इसको उठा लेते हैं, ये लास्ट के दो बना लेते हैं। ये हमारी सीधी लाइन है, स्टार्टिंग लाइन, मतलब इस तरह से करोगे आप, ये स्टार्टिंग लाइन रहेगी आपकी। यहाँ से जो शुरू हुआ वही बताया मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ बैक लाइन में, मतलब उल्टे लाइन में क्या करना है। उल्टे लाइन में बहुत सीधा है, क्या करना है आपको, ये उल्टा, जो दो हमने उधर बनाया है उल्टा, उसके जगह दो उल्टा, और जो ये सीधी वाली, सीधा वाला जो है, जो हमने उठाया था, उसको पीछे नीचे साइड से ऐसे उठा के उसको उल्टा बुनेंगे, फिर दो उल्टा, फिर वही सीधा वाला आया जो उठाया था हमने बिना बुने, उसको इस तरह से लोगे, नीचे की तरफ से ऐसे उठाओगे, आगे की तरफ से ऐसे नहीं लोगे, इस तरह से लोगे और उल्टा बुन लोगे, फिर दो उल्टा, फिर जो हमने उठाया था फर्स्ट रो में सीधा वाला, ये वाली लाइन, इसको नीचे से ऐसा उठाया और उल्टा बुन लिया उसको, फिर दो उल्टा। ये लाइन बहुत सीधी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा बनाते जाना है। ये फिर आ गया, इसको उठा लिया हमने, बाकी जो दो उल्टे हैं वो सामने से बुनोगे, और जो सीधी वाली लाइन हमने पीछे से चढ़ाई है उसको नीचे से बुनोगे उल्टा, इस तरह से आप। ये जो सीधी वाली उठाई थी हमने, उसको नीचे से उठाओगे हर बार, और बाकी दो उल्टे को सामने की ओर से बनाओगे, ये नीचे से, अब ये सामने से, ये फिर, अब ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा आप। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। स्टार्टिंग में ये दो उल्टा, फिर ये सीधे को आपने उठा लेना है धागा पीछे करके, फिर धागा आगे करके दो उल्टा, फिर धागा पीछे करके इसको उठा लेना है, फिर दो उल्टा, फिर धागा पीछे करके इसको उठा लेना है बिना बुने। इस तरह से एक पूरी लाइन हो गई। बैक लाइन में आपको क्या करना है, जो उल्टे के जगह दो उल्टा ही बनाओगे, और जो ये सीधा वाला है उसको नीचे की तरफ से लेके आपको बुनना है उल्टा ही। एक बार और आपको बता देती हूँ मैं, ये उठा लिया हमने, ये दो उल्टा बना लिया, धागा पीछे, ये उठा लिया, फिर दो उल्टा, फिर धागा पीछे उठा लिया, दो उल्टा, फिर धागा पीछे, ये उठा लिया, धागा आगे लेके दो उल्टा, धागा पीछे, सीधा उठा लिया, धागा आगे, दो उल्टा, चाहे तो आप लिख सकते हैं उसको, ये उठा लिया, दो उल्टा, फिर इसको उठा लिया धागा आगे करके, दो उल्टा, ये उठा लिया धागा आगे करके, दो उल्टा। अब बैक एक बार और बता देती हूँ आपको, समझा देती हूँ। जो हमने उल्टा बुना है वहाँ, उसको उल्टा ही बुनेंगे सामने की तरफ से, और ये वाला, ये सीधी लाइन जो आ रही है,
इसको नीचे से उठा के उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब ये प्लेन वाले उल्टे हैं तो उनको तो बुनी लिया हमने, अब ये वाली जो सीधी लाइन आ रही है इसको नीचे से हम उल्टा बुनेंगे, और ये जो दो उल्टे ऑलरेडी हैं उनको सामने से। इस तरह से आपको पूरी लाइन बुननी है तो ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा आपका। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये हर एक स्वेटर पे ये जचेगा, खासकर छोटे बच्चों के इसमें आप बनाइएगा ज़रूर, मोज़े टोपी में बनाइएगा, मफलर पे बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा ये। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैं और नया डिज़ाइन बताऊँगी आपको। अब मैं ये कंप्लीट होने के बाद आपको बता रही हूँ कैसा लगेगा, देख लीजिए आप। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कोई भी कलर में, इसको लाइट कलर में बहुत सुंदर लगेगा ये। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।